नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान केवाईसी योजना के बारे में, जो कि दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। मैं लाइव करके दिखाने वाला हूं। सभी लोग जानते होंगे कि मैं सरकारी गवर्नमेंट से योजनाओं से संबंधित अपडेट सबसे पहले देता रहता हूं। तो हम यहां पर पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, और आप सभी लोग जानते होंगे जितने भी जिनकी 10वीं किस्त नहीं आई हुई है उन सभी लोगों को केवाईसी करना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपका, मैं बता दें, हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका अभी पेमेंट आ रहा है बाई दर बाई, और वो पेमेंट रुक भी जा रहा है। बहुत सारे ऐसे किसान होंगे, लेकिन उसके लिए दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट में अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन करना अनिवार्य है, ई केवाईसी करना अनिवार्य है। क्योंकि दोस्तों जब तक आपका यहाँ पर जो पेमेंट मोड है अकाउंट लगा रहेगा, तब तक पेमेंट आपका रुका रहेगा। सभी को दोस्तों यहाँ पर केवाईसी करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम ई केवाईसी करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ई केवाईसी का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर केवल ई केवाईसी आधार ऑथेंटिकेशन मोबाइल नंबर के जरिए ही किया जाएगा। और अभी दोस्तों अपडेट नहीं आया है, बहुत ही जल्द इसमें अपडेट आ जाएगा। जैसे ही अपडेट आता है हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी एक आधार नंबर डाल लेते हैं। इसके बाद नंबर डालने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल नंबर का। यहाँ पर आपको जो भी आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही नंबर आपको इंटर करना होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि जो थंब का ऑप्शन है वो अभी नहीं आ रहा है, बहुत ही जल्द आ जाएगा। जो लोग भी ई केवाईसी करना चाहते हैं जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वो ई केवाईसी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर 4 अंकों का आपको दर्ज करना होगा। सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर से आपको गेट आधार ओटीपी यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। फिर से जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड में लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, और वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवैलिड ओटीपी बता रहा है, जो कि दोस्तों इनवैलिड ओटीपी उन लोगों का बताएगा जिनके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आधार लगा हुआ है इसलिए वो इनवैलिड बताएगा। हमने एक किया था इसलिए नहीं लगा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ई केवाईसी इज सक्सेसफुल ओटीपी केवाईसी। आप आधार के जरिए, जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके जरिए करेंगे तो आपका ई केवाईसी हो जाएगा। अभी थंब का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे ही आएगा हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों ई केवाईसी सभी जो कृषक है उन सभी कृषकों को ई केवाईसी करना चाहिए जिनकी 10वीं किस्त नहीं आई हुई है, या पेमेंट मोड अगर आपका आधार लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पेमेंट मोड अकाउंट लगा हुआ है तो जितने भी हमारे देश में किसान है सभी को ई केवाईसी करना होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल और मदद मिली होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। आशा करता आप सभी लोगों को फिर से एक बार नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू। नमस्कार।